नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी प्राविक पांडे पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसके प्रतिपादक थे लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों के ऊपर रिसर्च करके इस सिद्धांत को बनाया। इस सिद्धांत के अंतर्गत तीन स्तर है। आज की क्लास में हम लोग पहले स्तर का अध्ययन करेंगे, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि 4 to 10 ईयर से। दोस्तों, इस सिद्धांत के अंदर इस स्तर पर जो बच्चा है वो मॉरल रीजनिंग के लिए दूसरे द्वारा बनाए गए नियमों पर अपने आप को तोलता है। उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उसे उससे मतलब नहीं है। दूसरे लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उसके ऊपर वो अपने व्यवहार को तोलता है। दोस्तों, इसके दो पार्ट है। दोस्तों, एक है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस पार्ट के अंदर जो बच्चा है वो दंड से बचने के लिए, डांट से बचने के लिए अपने आप को दूसरे लोगों के समक्ष अच्छा प्रस्तुत करता है। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने वो अच्छा सा अच्छा व्यवहार करने का प्रयत्न करता है, जिससे वह दंड से बच सके। किसी भी कार्य या व्यवहार की नैतिकता को यहाँ व्यक्ति उसके भौतिक परिणामों के रूप में परिभाषित करता है। अगला जो पाठ है दोस्तों, वह है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। बच्चा यहाँ पे जो व्यवहार करता है उसके अंतर्गत छल योजित तथा आत्म परिपूरक पारस्परिकता होती है। दोस्तों, इस अवस्था में यदि बच्चे पारस्परिकता तथा सहभागिता के स्पष्ट सबूत प्रदान करते हैं, यह छल योजित तथा आत्म परिपूरक पारस्परिकता होती है, ना कि सही अर्थ में न्याय, उदारता, सहानुभूति पर आधारित। यहाँ अदला बदली का भाव मजबूत होता है। अगर आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है तो मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, आपने अगर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है तो मैं आपके साथ बुरा व्यवहार करूँगा। इस प्रकार की मानसिकता का इस पीरियड में दोस्तों विकास होता है। ये पहला पार्ट था, पहला स्टेज था नैतिक विकास का। आगे के दो स्टेजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। दोस्तों, तो आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।